हम आपको बताते हैं छिंदवाड़ा जिला के चोरई विधानसभा के रोजगार सहायकों के बारे में। लगभग 45 दिनों से लगातार ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। उनके द्वारा नियमितीकरण की आस को लेकर प्रतिदिन नवाचार किया जा रहा है। जनपद पंचायत चोरई के समस्त रोजगार सहायकों द्वारा 27 अप्रैल को सामूहिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार सहायकों के द्वारा अपने अपने विकासखंड स्तर में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज चोरई ब्लॉक से 51 यूनिट रक्त कलेक्ट कर ब्लड बैंक को मानव सेवा हितार्थ प्रेक्षित किया गया एवं आम जनमानस को रक्तदान हेतु प्रेरित किया गया। इस रक्तदान शिविर में विधायक सुरजीत सिंह चौधरी एवं पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे एवं प्रेस क्लब चोरई के पदाधिकारीगण पहुंचे और ग्राम रोजगार सहायकों के इस पुनीत कार्य की सराहना की। विधायक जीत सिंह द्वारा रोजगार सहायकों को प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा सीएम से रोजगार सहायकों की मांगों पर विचार करवाने का आश्वासन भी दिया गया। रोजगार सहायकों की हड़ताल में मध्य प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में पूरे कार्य अस्त व्यस्त हो गए हैं। रोजगारों की हड़ताल से ग्रामीण जनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार सहायकों ने भाजपा के वरिष्ठ चौरई से पूर्व विधायक रमेश दुबे और वर्तमान विधायक कांग्रेस के सुजीत सिंह चौधरी को रोजगारों ने रक्तदान करते हुए अपना दुखड़ा सुनाया और रोजगार सहायकों ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम अपने कार्यों में वापसी नहीं आएंगे। तब दोनों पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने रोजगारों को आश्वासन दिया है कि हम आपकी आवाज को सीएम तक अवश्य भेजेंगे। रोजगार संघ के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन लोकतांत्रिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से उन्होंने अपने मांग पत्र मध्य प्रदेश सरकार से रखी है और मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का ध्यान हमारे रोजगार सहायक संघ की मांगों की तरफ आए। एक अनूठी ऐसी पहल हमारे चौरई विकासखंड के रोजगार संघ के आपके हमारे अपने लोगों ने किया है। मैं वास्तविक रूप से इस कार्य को लेकर अपनी ओर से मैं रोजगार संघ के जो आपके हमारे अपने रक्तदाता हैं और जिन लोगों ने इस प्रकार की उनको प्रेरणा प्रदान की है मैं वास्तविक रूप से उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक हड़ताल मांगे बहुत जाहिर मांगे उनकी हैं। एक तो नियमितीकरण की वो मांग कर रहे हैं, साथ में वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी प्रशासनिक जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम रोजगार सहायक है परंतु बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। उसका कारण है कि ग्राम के लोग जो हैं वो सबसे पहले हमारे ग्राम रोजगार सहायक के पास जाते हैं। निश्चित रूप से ग्राम रोजगार सहायक के पास बहुत सारी जो हमारी सरकार की योजनाएँ हैं उसकी जानकारी होती है और कोशिश भी करते हैं कि जो ग्रामीण जन हैं उनको अधिक से अधिक इन योजनाओं का लाभ मिल सकें। आज रोजगार सहायक संगठन जनपद पंचायत चौरई पूरे प्रदेश संगठन के आह्वान पर रोजगार सहायक संगठन चौरई द्वारा आज रक्तदान रखा गया है जिसमें हमारे पूरे 70 साथी द्वारा आज रक्तदान किया जाएगा। हमारे प्रिय मामा जी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी जो पीड़ा निरंतर 12 सालों से है हम उस पीड़ा को हमारे मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखना चाहते हैं कि हम आपके ही कर्मचारी हैं जो 12 सालों से निरंतर बहुत पीड़ा में हैं, बहुत दर्द में हैं, लेकिन हम शासन का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हम आपका स्वागत और आपका कामों के अनुसरण करते हुए आपकी योजनाओं का आपके नियमों का पालन करते हुए हम सरकार को समृद्ध बनाते हुए हम अपनी मांगों को अनुशासन के साथ रखना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में जनपद पंचायत चौरई के समस्त रोजगार सहायक संगठन और जिला संगठन के भी सभी पदाधिकारियों की प्रेरणा से हम लोग ने मिलकर आज रक्तदान किया। धन्यवाद। चौरई से बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।